हाय एवरीवन, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ। आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। कम से कम 1 लाख पद का वैकेंसी आएगा, सिर्फ CRPF का। ओके, और BSF, ITVP सबका अलग अलग आएगा। तो ये मौका आप लोग खोइए मत। मेहनत हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं कि बस मेहनत करना, रनिंग करना है और प्रैक्टिस सेट मारना है, ये सब करना ही है, ठीक है। तो ये मौका मत खोइए। ये मौका कम से कम 60-65 जो सही मार देगा ना, रियल पक्का है, ठीक है। तो कम से कम 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। इसलिए आने वाला है क्योंकि CRPF का बंदा सिर्फ 1 साल में 50,000 से ज़्यादा पेंशन जा चुके हैं, ठीक है। मैं नौकरी छोड़ के जा चुके हैं, कोई पेंशन गया है, कोई नौकरी छोड़ के गया है, ठीक है, इसकी वजह से। तो आप लोग बस ढीला मत पड़िए, मेहनत करते रहिए, चाहे भाई हो चाहे बहन लोग हो, ठीक है, सिस्टर लोग हो, जो लेडीज लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए, भाई बहन सभी के लिए बोल रहा हूँ। ये जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, मन से तैयारी कीजिए, इस बार मौका मत गवाइए, ठीक है। क्योंकि मैं तो जितना हो सकता है मैं उतना आप लोग को उत्साह दे सकता हूँ, ठीक है। किसी की नौकरी हो जाए तो मुझे भला नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग का भला होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग मन से तैयारी कीजिए, थोड़ा ना जोर से तैयारी कीजिए, ठीक है। पूरा ताकत लगा दीजिए कि जीना है तो उसके लिए जीना है, वतन के लिए जीना है, ठीक है। जो दिल में रखते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, वतन के लिए हैं, ठीक है, सरहद पे कुछ करना है, ओके, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बस जी जान तोड़ फान लगा दीजिए, ठीक है, कुछ करने के लिए, समझे, नौकरी पाने के लिए, अपने फैमिली को ठीक रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए, पूरा देश को खुशहाल रखने के लिए, ठीक है। पूरा जी जान से मेहनत कीजिए और इस बार चांस दीजिए। बहुत वैकेंसी आने वाला है और नौकरी होने के बाद फिर बात अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर बहुत वेलफेयर मिलेगा, समझे। ऐसे तो भी जो जिसका नौकरी नहीं हो, क्या जानते हो कैसे घर वाला ट्रीट करते होंगे, तो और भी दोस्त लोग भी कैसे ट्रीट करते होंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस बार जान जोखिम डाल के मेहनत कीजिए, जितना होता उतना कीजिए। 5 किलोमीटर रनिंग है तो 6 किलोमीटर रनिंग कीजिए, 7 किलोमीटर रनिंग कीजिए, ठीक है, ठीक करना है। प्रैक्टिस सेट है तो दिन में 1 बार नहीं 2 बार मारिए, ठीक है, इसको रिवाइजिंग कीजिए, समझे। पूरा जोड़ जान से मेहनत करना है, अब मन से करना है, ठीक है। क्योंकि हम मुझे उतना टाइम नहीं मिलता यार वीडियो डालने का, ठीक है। मैं दूसरा जगह जाते रहता हूँ, मैं कैसे कैसे पता करता हूँ कि क्या वैकेंसी आने वाला, नहीं आने वाला, आने वाला, तो मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं डालता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस मन लगा के तैयारी कीजिए, ठीक है, समझे। इस बार चांस है, 100% चांस है, समझे। क्योंकि मैं तो जहाँ डालते थे वहाँ लोकेशन चेंज हो गया, दूसरी जगह आ गए हैं, दूसरी जगह डाल रहे हैं। इतना रात अभी कितना बजे है, 11 बजने वाला रात, ठीक है, अभी मैं डाल रहा हूँ क्योंकि 10-15 दिन से मैं डाला नहीं हूँ, ओके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इधर ठंडा 4 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, मैं 4 डिग्री टेम्परेचर है, मैं उधर से ही जैसे होता है कुछ दिन में बर्फ़ पड़ने वाला, ठीक है, तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, समझे, उतना नहीं डाल पाऊँगा। इसलिए आप लोग बस जो एकदम धैर्य बनाइए, एकदम उत्साह बढ़ाइए कि फिर ले गुजरना है, ठीक है। जब रनिंग में तो रनिंग करना है तो बस इतना रनिंग करना कि साला कुछ हो, यानी कि एकदम हद से ज़्यादा रनिंग करना है, ठीक है, मैं कि उतना तक आ जाना है, समझे। जिनका हैवी वेट है वो थोड़ा रोटी का चावल खाना ही बंद कर दे, ठीक है, रोटी खाएँ तो कम खाएँ, 2 से 3 रोटी खाएँ, ठीक है, समझे। तो इस बार मौका है, इसको गंवाना नहीं है, 100% मौका है, इसको छोड़िए मत, समझे। पूरा नौकरी लेने की कोशिश कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। मेरा मन में कि एक भी जवान का, मेरे तरफ से एक भी भाई का भला हो जाए तो मेरा सफल पूरा हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे कहने से एक भी भाई का भलाई हो जाए तो मेरा सफल पूरा हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, जम के कीजिए, समझे।
दौड़ते 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 जब तक मतलब कि ऐसा लगे कि बस कुछ करना है तो उसके लिए करना है, ठीक है। जब हम रनिंग करते थे तो मैं तो कि अब मैं तो अपने बारे में सोचता था कि अब साला मरे चाहे बचे, ठीक है, रनिंग करना, रनिंग करते रहना है, समझे ना। हम तो ये सोच लिए थे कि वापस जब बाहर गए तो दौड़ते दौड़ते कुछ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं निकलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में ही चलता था, इसलिए मैं 4 बाहर गया, 4 में अटेंड किया, 4 में रनिंग आ गया, ठीक है, ओके। 4 में 2 में एग्ज़ाम में आया हूँ, 2 में नहीं आया हूँ, समझे ना। फर्स्ट मेरा CRPF था, CRPF में आ गया, ठीक है। फर्स्ट वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बस इतना मान लीजिए कि बस रनिंग करना है तो कुछ भी हो जाए, समझे, जान भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग करना, रनिंग में आना है, ठीक है। ऐसा एकदम जोश बना के जाइए, ऐसा कीजिए, क्योंकि हम तेज़ नहीं बोल सकते इसलिए कि शाम हो गया, ठीक है, सभी जवान लोग सो रहे हैं, समझे ना। इसलिए वीडियो बनाते वक्त तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, बस हल्का बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी भाई लोग का डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि लोग कभी 2 बजे ड्यूटी, कभी 1 बजे ड्यूटी, कभी 3 बजे ड्यूटी होता है, ठीक है, लोगों का नींद आराम हो जाएगा। इसलिए मैं तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक शांत एक रूम में आके बोल रहा हूँ, रिक्रेशन रूम में, ठीक है, वहाँ पर उतना कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए मैं हल्का बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं डर के बोल रहा चार कुछ। तो वही जो जान जिद लगा के एकदम तैयारी कीजिए, इस पर मुक्का है तो खोइए मत, ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।